तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर राजनीति शास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को मालूम है आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो क्वेश्चन को सही से समझिएगा। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन दिया गया, उसके चार ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, उसमें से जो राइट होगा उसे आप लोगों को सिलेक्ट करके और मार्कशीट पे फिल करना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1952, और बी नंबर है 2 जुलाई 1942, और सी नंबर है 8 सितंबर 1942, और डी नंबर है 2 अगस्त 1943। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है, यहाँ पर था होना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 9 अगस्त 1952 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए के इंग्लैंड, बी नंबर नोएडा, और सी नंबर सिंगापुर, डी नंबर जापान। तो जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आर्मी से होंगे और जो इंडियन से बहुत, इंडियन आर्मी से बहुत लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये भी जानना उन लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंगापुर में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे बेशक आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर भगत सिंह ने, सी नंबर लाला लाजपत राय ने, डी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों एक दो वर्ड टाइप करने मिस हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आप उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। फिर आज जो भी क्वेश्चन रॉन्ग, यानी कि जो भी वर्ड रॉन्ग रहता, मैं उसे आप लोगों को तो बता ही देता हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए के सोनिया गांधी, बी नंबर एनी बेसेंट, सी नंबर सरोजिनी नायडू, डी नंबर इंदिरा गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो ये सारे क्वेश्चन ये जीके से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये तो इस में पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, साथ साथ में ये जनरल नॉलेज वाले जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आपके इन फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चोरी चोरा कांड कब हुआ था। आपने, आपको मालूम ही होगा कि चोरी चोरा कांड के बारे में, लेकिन कब हुआ था इसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो इस क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ जाएगा। नंबर एक ऑप्शन है 1925, और बी नंबर है 1923, और डी, सी नंबर है 1922, और डी नंबर है 1920। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया है। ऑप्शन एक है महात्मा गांधी ने, बी नंबर चंद्रशेखर ने, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने, डी नंबर जवाहरलाल ने। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसको राइट आंसर मालूम ही होगा। ठीक है, तो आप लोग गेस करिए किसका है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो नारा है महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि गांधी जी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया। ऑप्शन एक है 1923, बी नंबर 1938, और सी नंबर 1935, और डी नंबर 1923। तो गांधी जी द्वारा नमक कानून सन 1930 ईस्वी में तोड़ा गया था, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी नंबर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को जनरली लग रहे होंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है लाला लाजपत राय, बी नंबर एनी बेसेंट, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1860, 1910, 1885 और 1875। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कभी भी आपके जीके में पूछा जाता है, कोई भी आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों का आंसर मालूम हो जाएगा कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन एक है कलकत्ता, बी नंबर लखनऊ, सी नंबर मुंबई, डी नंबर जयपुर। दोस्तों आप लोग कमेंट में गेस जरूर करिए कि नई दिल्ली की पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। प्लीज़ गेस जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँ दोस्तों, वो हो जाएगा कलकत्ता। नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है, ठीक है, या कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हैं और थे, ठीक है, या थी। अगला क्वेश्चन है, यानी तो इसमें जो ऑप्शन है वो मिल जा रहे हैं आप लोगों को, राजा राम मोहन राय, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और डी नंबर में से कोई नहीं। तो निम्न में से भारत का अंतिम जो गवर्नर था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, यानी कि 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन एक है मोतीलाल नेहरू, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर स्वामी विवेकानंद, डी नंबर है प्यारेलाल। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किसने अनिवार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किसने अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, ये कहा कि हाँ भाई इंडिया में भी या भारत में भी, ठीक है, इंग्लिश की शिक्षा यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी अनिवार्य कर दिया गया, इंग्लिश अनिवार्य कर दी गई, कुल मिला के क्वेश्चन मतलब ये है। ठीक है, तो किसने बढ़ावा दिया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को गेस करना है, क्या हो जाएगा मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा, और जनरली क्वेश्चन भी है। नंबर एक है लॉर्ड रिपन, बी नंबर लॉर्ड लिंटन, सी नंबर लॉर्ड कैनिंग और डी नंबर लॉर्ड मैकाले। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जो अनिवार्य किया है वो किया है लॉर्ड मैकाले ने, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। नंबर एक लखनऊ से, बी नंबर जयपुर, सी नंबर अमृतसर और डी नंबर है मेरठ। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो हुआ था मेरठ से, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थे और है लगता है तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि अब तो वो रहे नहीं जो किया था जिन्होंने। ऑप्शन एक है दयानंद सरस्वती, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर विवेकानंद और डी नंबर है दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन एक है अहमदाबाद, बी नंबर है चंपारण और सी नंबर खेड़ा, डी नंबर रमेश चकेनी। तो भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व गांधी ने किस सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था उसका नाम है इनमें से सभी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक स्थान किस जिले में आता है। तो चौरी चौरा कांड आपने ऊपर पढ़ा था कब हुआ था, अब आ रहा है कि चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ किस जिले में है या आता है। ऑप्शन नंबर है आजमगढ़, बी नंबर बनारस, सी नंबर बलिया और डी नंबर है गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर जिले में आता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय पुनर्जगण का क्वेश्चन ये है कि भारतीय
पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? नंबर एक है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर फिरोज शाह, सी नंबर राजा राम मोहन राय, डी नंबर गोविंद वल्लभ भाई पंत। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कि इनमें से एक काकोरी कांड का संबंध किससे था? नंबर एक भगत सिंह से, बी नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने, सी नंबर राम प्रसाद बिस्मिल से, डी नंबर है महात्मा गांधी से। तो इनमें से जो काकोरी कांड का संबंध था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी से था। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी माने जाते थे या उदारवादी माने जाते हैं? ऑप्शन है कि तिलक, बी नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, और डी नंबर विवेकानंद। तो उदारवादी माने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर महात्मा गांधी, और डी नंबर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सेवाग्राम, साबरमती, डांडी, और डी नंबर है वर्धा। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से प्रारंभ किया था। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि किस वर्ष 26 जनवरी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो ये तो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, तो आप लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है जो भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस का सर्वप्रथम मनाया था? तो ऑप्शन एक है 1930 में, बी नंबर है 1935 में, और सी नंबर है 1925 में, और डी नंबर है 1920 में। तो सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस को सर्वप्रथम 1930 में मनाया था। वो तो आप लोगों के अलग हैं कि 19 संविधान वाला, ठीक है, वो संविधान कब से स्टार्ट हुआ था और हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन कुछ उसी से सिमिलरिटी है, क्वेश्चन में सिमिलर है, बट क्वेश्चन का मतलब इसका दूसरा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर ये तो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, आप 30 बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दूसरा कुछ कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नंबर एक है महात्मा गांधी, बी नंबर लाला हरदयाल, सी नंबर इंदिरा गांधी, और डी नंबर है जवाहरलाल नेहरू। तो गदर आंदोलन के संस्थापक थे लाला हरदयाल जी, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं जिनको मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, sandeepinfo.com। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर। तो वेबसाइट पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश, और आपके सोशोलॉजी और समाजशास्त्र, ये सब, और राजनीतिक शास्त्र रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ आप विजिट करिए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट को जो भी मॉडल पेपर चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर करिए, अपने व्हाट्सअप, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी सोशल मीडिया, उस पर शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।